गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सैनी। आज हम 11th की फिजिक्स पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड और RBSE बोर्ड दोनों के लिए। और पहला चैप्टर अपने पास फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और इसका सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं आज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर which can be measured, for example length of chalk। देखो length of chalk की अपन बात करें तो इसमें इसकी length भी है, इसको अपन measure कर सकते हैं, और इसमें weight भी है यानी unit भी होगी एक तरीके से। तो mass, length, time, force, etc आर ऑल्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल क्यू, देन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एन इन टू यू, वेयर एन मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू यूनिट। यू यूनिट जैसे अपन ले कि लेंथ ऑफ चार्क, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेंथ ऑफ चार्क चौक ले लेते हैं अपन, जैसे ये यहां से यहां तक का चौक अपने पास और इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 तो क्या हुआ, टाइम तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और सेंटीमीटर अपने पास है ये इसकी यूनिट, इट मीन्स साइज, अपन ये भी बोल सकते हैं साइज। इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज हैव यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये बोल सकते हैं विच हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स द यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अपन ये देखें कि शॉपकीपर से हमने 10 kg शुगर ले ली, इसको मैं कन्वर्ट करूं ग्राम में, तो 10 kg, 10 kg में ग्राम कितने हो जाएंगे, अब देखो यहां इसका मतलब क्या हुआ, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी इसकी छोटी होगी उतने ही इसका जो अपने पास है यूनिट वो क्या होगी, बिगेस्ट होगी। इट मीन्स स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू बिगेस्ट द यूनिट, और बिगेस्ट द यूनिट स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो 10 अपने पास है और ये केजी में है, और ये क्या है ग्राम, ग्राम ये अपने पास यूनिट क्या है, स्मॉल है, तो यहां अपने पास इसका मैग्नीट्यूड कैसा हुआ, बिगेस्ट हुआ, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ अपने पास, बिगेस्ट। इसी तरीके से यहां देखिए अपन जो यूनिट है वो क्या है,
बिगेस्ट, तो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, स्मॉलर, स्मॉलर देन यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बात की जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी ड्राइव्ड अदर क्वांटिटीज, और द क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर या अदर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मास टाइम लेंथ, मास टाइम लेंथ, दीज आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल क्वांटिटीज। इन मैकेनिक्स जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं अपने पास वो थ्री होती हैं, मास टाइम एंड लेंथ। ड्राइव क्वांटिटीज की अपन बात करें तो क्वांटिटीज विच ड्राइव अनदर क्वांटिटीज, और द क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अनदर क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, दीज आर ड्राइव क्वांटिटीज। इट मीन्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड ड्राइव क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट टू अनदर क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज की अपन बात करें जैसे एक एग्जाम्पल है अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो टाइम कैसी क्वांटिटीज हुई, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइव क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से पे क्या है डिपेंड है। ऐसे अपन बात करें फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास कैसी क्वांटिटीज है फंडामेंटल, अगर इसको भी आगे अपन करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम भी कैसी क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। इट मीन्स ड्राइव क्वांटिटीज आर ऑलवेज डिपेंड्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की अपन बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की आप डेफिनेशन देखते हैं अपन, दोज क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड्स अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। बात करें ड्राइव क्वांटिटीज की, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ऑब्टेंड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की भी अपने बात की थी, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, अब किस तरीके से डिपेंड कर रहे थे ये भी हम बात कर रहे थे। जैसे अभी अपन बात करें वर्क की, वर्क क्या होता है, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है अपने पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहां मास क्या अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इट मीन्स ड्राइव क्वांटिटीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। बात करें अपन, अभी बात कर रहे थे अपन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, दूसरी हम बात की थी यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है, द वैल्यू असाइन
to the measurement of physical quantities are called unit of quantity. The value assigned to the measurement of physical quantities is called unit. अब बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट्स की, तो यूनिट्स की टाइप भी कितनी होती हैं? टू होती हैं। पहली टाइप होती है फंडामेंटल यूनिट और सेकंड टाइप होती है ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और द यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूनिट को सेलेक्ट करते समय अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट क्या है? द सेलेक्टेड यूनिट शुड बी वैलिड एंड वेल डिफाइंड। सेकंड, सूटेबल साइज। थर्ड, नॉट चेंज विथ टाइम एंड फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। जैसे यहां से अपन गए अमेरिका और मास की यूनिट अपने पास केजी, तो वो वहां भी केजी ही रहेगी, अदर नहीं होगी, यानी पैलेस टू पैलेस चेंज नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उनपे। फिजिकल कंडीशन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिजिकल कंडीशन चेंज होती है तो यूनिट चेंज नहीं होगी, यूनिट सेम रहेगी। भले अपन यहां से इंग्लैंड चले जाएं, रशिया चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर मास की यूनिट केजी है तो केजी ही रहेगी। इसी तरीके से हम बात करें आगे, इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, इन सबके चेंज पर भी यूनिट चेंज नहीं होगी। जैसे यूनिट अपने पास लेंथ की यूनिट अपने पास मीटर होती है, जैसे यहां से यहां मैंने बोला कि ये कोई अपने पास मार्कर है 10 सेंटीमीटर का है, तो मैं इसको यहां से अमेरिका ले जाऊं, कहीं और ले जाऊं, तो भी ये 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। यानी जो 10 सेंटीमीटर मैंने बोला, 10 सेंटीमीटर मैंने बोला, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है? यूनिट। ये चेंज नहीं होगी। हां, अगर अपन इसकी लेंथ को चेंज करें तो भी यूनिट तो रहेगी उसकी। इसके बाद अपन बात करते हैं इजीली एक्सेसिबल, मतलब यहां से अपन कहीं गए और उसको अपन इजी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो डिफाइन भी अपन इजी कर पाए उसको, कि जैसे 10 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना या मीटर को सेंटीमीटर में, ये सब अपने को आने चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यूनिट्स की, टाइप्स ऑफ यूनिट हमने बताई। टाइप्स ऑफ यूनिट कितनी होती हैं? टू टाइप्स, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट और सेकंड ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की बात करें अपन, तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल मास, मास की जो यूनिट अपने पास होती है वो अपन लेते हैं केजी, तो ये क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट हुई। लेंथ, लेंथ की मीटर में लेते हैं, ये भी क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट हुई। ऐसे ही टाइम, टाइम की किस में लेते हैं? सेकंड में, ये भी अपने पास क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट। इसी तरीके से ड्राइव यूनिट की अपन बात करें तो फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपने पास क्या होती है? मीटर। ऐसे अपन बात करें फोर्स की, तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यानी मास की यूनिट के जी, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको पूरे को न्यूटन भी बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या होगी, ड्राइविंग यूनिट। बाकी हम कल देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। अगर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट, तो आप कमेंट करें, पूछें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा।